कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 के लगभग टाइम हो रहा है और मैंने खाना वगैरह सब खा लिया है। अंश को भी सुला दिया है मैंने, अंश सो रहा है। मैंने लिप बाम लगाया हुआ क्योंकि ना मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं। ये जो मौसम है ना अभी, ये अप्रैल मई वाला जो मौसम होता है ना, इसमें मेरे लिप्स बहुत ड्राई होते हैं। इसलिए आप सब देखते हो कि मैं घर पर लिपस्टिक लगाती भी नहीं हूँ आजकल और लगाऊंगी भी नहीं। वैसे भी घर पर क्या लगाना लिपस्टिक। तो मैं आप सबको क्या बताने जा रही थी, हाँ मैं ये बताने जा रही थी कि मैं आप सबको चलिए डेमो देती हूँ, वो जो मैंने मॉप सेट लिया है वो किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे करना है, और यूज़ करके आप सबको बताऊँगी भी तो कि कैसा है, आप सब बाय करो या नहीं करो। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। और पतिदेव गए हैं किसी पार्टी में, तो अभी अंश भी सोया है, तो तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो चलिए पोछा लगाने से पहले, तो सबसे पहले मुझे इस एरिया को क्लीन करना होगा। आप सब देख सकते हो ये एरिया जो है ना मेरे घर का, इसे मैं दिन भर में कम से कम 5-6 बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं और अंश यहीं पे स्पेंड करते हैं रूम में। ज़्यादा बेड पे नहीं बैठती हूँ मैं, सोफे पे ही रहती हूँ या फिर नीचे ऐसे मैट पे बैठते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अंश अपने टॉयज, बुक्स, पानी पीता है वो ग्लास, और मतलब बाकी चीज़ें टेडी वगैरह सब कुछ यहीं पे फेंक कर रखता है। तो इस वजह से हर कुछ टाइम पे मैं संभाल देती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब कचरा ज़्यादा हो रहा है तो एक बार अच्छे से क्लीन कर दो और फिर यहीं पे अरेंज करके रख देती हूँ, और रात को फाइनली सोने टाइम, सोने से पहले सारी चीज़ें रख देती हूँ जगह पर, नहीं तो मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ दिन में। तो चलिए इस एरिया को पूरे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं, तभी तो पोछा लगाऊंगी और आप सबको मैं अपना मॉप सेट का पूरा अच्छे से डेमो दूंगी, रिव्यू दूंगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये बकेट है इसकी, और इस साइड में हमें पानी भरना होता है, तो मैंने जस्ट टैप ऑन किया है और आप सबको दिखा रही हूँ। तो पानी भरे, हाफ ही भरे, पूरा फुल भरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इसकी जो टुड्डी जैसी दिख रही है ना वहाँ तक। उसके बाद मैंने इसमें अपना लाइज़ोल ऐड किया है, आप जो कुछ भी यूज़ करते हो उसको ऐड करो। और फिर जस्ट हमें जो इसकी स्टिक है वो लेनी है, और फिर ये मैं ले जाकर अपने रूम में रख रही थी। और फिर ये इस तरीके स्टिक को हमें लेकर जाना है, और इस तरीके से उस पर जो टुड्डी बनी थी उस पर हम अटकाएंगे और प्रेस करेंगे ना, तो हमें यहाँ से इसका जो आपको दिख रहा है ना वो लॉक करने का, उसको अनलॉक करके ही ये सारा काम करना है। बस हमें पोछा लगाने के टाइम इसको लॉक करना है, उधर भिगोया और उधर इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो ये जो इसका जो पानी है ना वो सारा निकल जाएगा और फिर ये ड्राई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से, देखिए मैं उधर दिखा नहीं पा रही थी आपको, अभी मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से स्पिन होता है, ऐसे हल्का सा प्रेस करना होता है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया, और बस अब इसको लॉक कर देना है इस तरीके से। देखिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ यहाँ से, तो इसको मैं कर रही हूँ लॉक और फिर लगा ले फटाफट से पोछा। तो मैंने अपने पूरे घर में पोछा लगभग, मेरा घर काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप सबको कभी होम टूर कराऊंगी मैं, तो पूरे घर में मैंने आधे घंटे में पोछा लगा लिया था और बहुत अच्छे से सफाई हो गई थी और ड्राई ड्राई भी था, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है सूखने में, फ़ैन ऑन करने का टेंशन है। तो ओवरऑल मुझे ये पोछा काफ़ी अच्छा लगा। इसे करंट लग गया मुझसे, अंश को बाहर करंट लग रहा है मुझसे, मम्मा करंट लगा दे रही है अंश को। इस ठग की छोटी बातों से आकर्षित होकर अंश ने रिमोट भी खराब कर दिया है। इस बात से अनजान कि आने वाला समय उनके, अंश को फिर से करंट, आजा छू दूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सब देख सकते हो, मेरा बेटा मेरे पास आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से इसको 2-3 बार करंट हल्का सा फील हुआ है, बट बच्चा है तो उसको तो ज़्यादा लगता ही है। और अब अंश के पापा भी आ गए हैं, और यहाँ देखिए हम सब रेडी होके जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा सा मार्केट इसलिए निकल रही हूँ क्योंकि अब वापस से कोरोना आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन होने को है। तो हमने सोचा थोड़ी बहुत चीज़ें चलकर देख लेते हैं, कुछ ज़रूरत का सामान या फिर ऐसे एक बार हो आते हैं मार्केट से, तो इसलिए हम जा रहे थे। तो निकले इस तरीके से, तो हम एक और मार्केट है नया, कोई मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ भी गए थे, उसके बाद विशाल मेगा मार्ट भी गए थे। ये देखिए दोनों बाप बेटे मज़े से घूम रहे हैं। तो हमने शॉपिंग तो अच्छी खासी कर ली, कुछ ज़रूरत का सामान और कुछ एक्स्ट्रा तो वहीं जाता है कहीं आओ जाओ, तो मैं वो सारी चीज़ें आप सबको दिखाऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर आज वाले में तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि पहुँचते पहुँचते ही बहुत लेट हो गया था।
और फिर उसके बाद हम यहाँ पे नीचे फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए, तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ये पार्टी से आए थे, इनका पेट भरा हुआ था। और मैंने डोसा खाया और अंश ने आइसक्रीम अंश ने हाफ खाया, हाफ मैंने ही खाया। और ये देखिए आए हम, बहुत लेट आए थे, आते आते हमें टाइम हो गया था 9:30 के लगभग, टाइम हो रहा था 9:30-10 के। तो अंश को ना थोड़ा ये पानी ना नॉर्मल से थोड़ा ठंडा था, ना बहुत ठंडा ना ये, और अंश पहली बार ठंडा पानी पी रहा था इस सीज़न में, तो इसका एक्सप्रेशन मैं आप सबको रिकॉर्ड करके इस वजह से दिखा रही थी कि देखो कैसे ठंडा पानी और पीने के लिए इतना बेचैन था, और पी पी कर और स्माइल किए जा रहा था। और यहाँ पे देखो इसको पहनना है डायपर। पहनोगे ये क्या दे रहे हो मम्मा को, अब आप डायपर पहनोगे? और रात में कौन पूजा करता है? रात में अंश पूजा करता है। इतनी रात हो गई, अब तो सोने का टाइम हो गया आपका। डायपर पहनोगे क्यों? अब आप छोटा बाबू थोड़ी ना हो, अब तो आप बड़े बाबू हो गए हो, यू आर अ बिग बॉय। अंश यू आर अ बिग बॉय ना, यू आर अ बिग बॉय ना। अब आप पैंट में सुसु करते हो या बाथरूम में? तो फ्रेंड्स मैं और अंश आ गए हैं सोने के लिए। आप सबको क्या लेकर आई हूँ, क्या किया है मैंने, क्या क्या किया वो सब कल बताऊँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ सोने। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबने देखा कि हम गए थे बाहर, क्या क्या शॉपिंग करके आए वो आप सबको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और अंश को कैसा मुझसे करंट लग गया, बेचारा बच्चा डर गया था मुझसे, मेरे पास ना 1.5 घंटे तक आया ही नहीं, इतना ज़्यादा डर गया था। तो चलिए फिर रेस्ट करते हैं। और जो मेरा वो मॉप सेट था वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इजी टू यूज़ है, इजी टू हैंडल है। तो अगर आप सब लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से हाँ है, आप सब ज़रूर बाय करो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है अमेज़न पे। तो अगर आप सब चाहते हो तो मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप सब मुझे बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।